वेलकम बैक टू शांडीपनी एज्युकेशनल एकेडमी। चलो गया वीडियो में आप डबल्यू फोर वॉच और एक्स फोर एक्सरे सीखेला था। आज आप वाई फोर यॉट सीखीशू। तो वाई फोर यॉट जी रीते आप कैपिटल लेटर में लगता तेना करता थोड़ूक अलग है। वाई फोर यॉट कई रीते लखाशे तो आ रीते वाई फोर यॉट बराबर है। तमारे आ चित्र पूरु करी देवानू छे, तबका वडे जोड़ी देवानू छे। चलो नीचे लोग जी रीते लखी आपेलू है तना पर आप करिए वाई फोर यॉट वाई फोर यॉट वाई फोर यॉट वाई फोर यॉट। चलो कई रीते लखवानू है चलो जोईए। तो पहला जे अपनी बीजी लाइन है ते लाइन में आ रीते एक आड़ी लाइन ने आ रीते नीचे लई जवानू है। वाई फोर यॉट बराबर है। आ एक आड़ी लाइन और बीजी लाइन थी आ रीते नीचे लई जवानू है। पहली लाइन नो उपयोग करवानो नथी, बीजी और तीजी लाइन में आ रीते करवानो छे। आ थई गयो आपणो वाई फोर यॉट। बाकीना त्रण खानामां तमारे होमवर्क में घरेथी प्रेक्टिस् करवानी छे। चलो आपणो लास्ट डिजी लास्ट आवी गयो झेड फोर झेब्रा। अहींया आ करी देशुं एटले आपणुं स्मॉल लेटर पूरुं થઈ જશે। તમારે ઝેબ્રાનું ચિત્ર ડોટ આપેલા છે તેને જોડી દેવાના છે। ઝેડ ફોર ઝેબ્રા એ પણ સૌથી ઇઝી, જે રીતે કેપિટલ લેટરમાં લખતા તે રીતે લખવાનું, પણ કેવું લખવાનું, નાનું લખવાનું। કેપિટલ લેટરમાં આપણે પહેલી લાઇન ઉપયોગ કરતા, સ્મોલ લેટરમાં ખાલી વચ્ચેની બે લાઇનમાં લખવાનું ઝેડ ફોર ઝેબ્રા ઝેડ ફોર ઝેબ્રા આ બે લાઇનમાં ઝેડ ફોર ઝેબ્રા ઝેડ ફોર ઝેબ્રા એક આડી લાઇન ત્રાસી લાઇન આડી લાઇન આડી લાઇન ત્રાસી લાઇન આડી લાઇન આડી લાઇન ત્રાસી લાઇન આડી લાઇન। બાકીના ત્રણમાં તમારે હોમવર્કમાં કરવાનું છે, એની પછી જે એક્ટિવિટી છે તે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં ભણીશું। ઓકે, થેન્ક યુ।